आपके लिए पेज नंबर मिलेगा 24, ओके। जब आप पेज नंबर 24 ओपन करेंगे तो आपको ऐसी एक इमेज दिखेगी और ऊपर क्या लिखा होगा, द लिटिल फिर ट्री, ओके। दिस इज अ स्टोरी, स्टोरी इज अबाउट अ ट्री, ओके। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी एंड लिसन मी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट रीड दिस स्टोरी। शैटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर, जो क्या करता है, जादू दिखाता है। वो कहाँ लौट रहा था? अपने घर। वेन ऑल ऑफ द सडन इट बिगेन टू रन, इट रन हैवी। जब अपने घर लौट रहा था तो क्या हुआ, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। शैटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड शो अ प्रीटी लिटिल फिग ट्री। ही रन टुवर्ड इट एज फास्ट ही एज ही कुड। जब अपने घर लौट रहा था तो हैवी बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो उसे क्या चाहिए था, शेल्टर, एक शेल्टर चाहिए था जिसमें वो क्या करे, गीला होने से बच सके। तो जैसे वो जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक फिर ट्री देखा। तो उसने क्या करा, स्ट्रीट कर एकदम फास्ट भाग के उस ट्री के नीचे खड़ा हो गया। सून द रेन स्टॉप। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, रेन बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। शैटी वॉज हैप्पी। शैटी क्या हो गया, हैप्पी हो गया। That he did not get wet. वो क्यों हैप्पी हो गया, क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था। Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them. Said the magician. Magician ने क्या बोला? Magician ने उस ट्रिक को बोला, Thank you. धन्यवाद। मुझे गीला होने से बचाने के लिए और तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या दूंगा, तुम मुझसे 4 विश मांगो, वो मैं पूरी करूंगा, ओके। नाउ पेज नंबर 25। दिस सेड फिर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। जो ट्री था उस साइड था, क्योंकि उसकी जो लीफ थी वो कैसी थी, नीडल जैसी थी, सुई जैसी थी, और वहां पर कोई भी बर्ड उसके जो ट्री था उस पर नहीं बैठती थी और अपना घोंसला भी नहीं बनाती थी। सो इट सैड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माय अदर फ्रेंड्स। तो उसने क्या फर्स्ट विश क्या मांगी, कि मेरी जो पत्तियां हैं लीव से वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए मेरे अदर फ्रेंड जैसी। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड। Soon a god came along and ate all the green leaves. जब उसकी विश पूरी हो गई तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उसने देखा कि एक गॉड मतलब बकरी आई और जो ग्रीन ग्रीन पत्ती हो गई थी उसे खाने लग गई। Oh dear, said the fig tree. I wish I had gold leaves as god do not eat gold leaves. फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मुझे गोल्ड मतलब सोने जैसी पत्तियां चाहिए जिसे गॉड एक बकरी उसे नहीं खा सके। When the little friar tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जब वो अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी जो पत्तियां थी ग्रीन वो अब क्या बन गई है, गोल्ड सोने जैसी हो गई है। Now happy I am, it said. उसने बोला अब मैं हैप्पी हूँ। A man came along and stole the gold leaves. फिर कौन आया, मैन मतलब आदमी आए और जो गोल्ड लीव थी सोने की पत्तियां थी उन्हें वो क्या कर ली, चुरा ली, चोरी कर ली। I wish I had glass leaves. Instead, man do not steal glass leaves. फिर उसने क्या विश मांगी, उसने थर्ड विश मांगी कि मेरी जो पत्तियां सोने जैसी है अब वो पैकेट चेंज हो जाए ग्लास में। ग्लास मतलब कांच की जो पत्तियां होती है वो, तो वो कांच की पत्तियों में चेंज हो जाए। क्यों जाए, क्योंकि गोल्ड लीव्स तो मैंने चोरी कर ली, अब जब कांच की पत्तियां बन जाएगी तो जो मैं जो आदमी है वो उसे चोरी नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट डे इट ग्लास लीव स्टोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। एट नाइट द विंड ब्लू ऑल
बहुत तेज चली, विंड बहुत तेज चली और जो उसकी क्लास की लीज थी वो सब क्या हो गई, ब्रोक मतलब टूट गई। ओह डियर सैड फिर ट्री, आई लाइक माय ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर बर्ड्स डू नॉट ट्रीट देम, नो मैन कैन स्टील देम एंड द विंड विल डू देम नो हार्म। फिर वो क्या बोलता है कि ओह डियर मेरी पुरानी नीडल जैसी पत्तियां ही अच्छी थी, क्योंकि उन्हें कोई बकरी भी नहीं खाता था, उन पत्तियों को कोई चोरी भी नहीं करता था और उसे हवा हार्म भी नहीं करती थी, हवा जो है वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। फिर वो सो गया, जब वो सोने गया उसके बाद जब वो सुबह उठा उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो वापस पहले जैसी हो गई है। कैसी हो गई है, नीडल जैसी। राइट क्वेश्चन आंसर, ओके आई होप आप सब अच्छे से।